बस। शाबाश भाई, आज आपके फिल्म का बारे में बताएंगे कि क्या है, कौन सा दाखिला दे रहे हो ऑडियंस को? ये हमारे अजीत वर्मा एक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अभी हमारे साथ एक रक्तधार फिल्म बनाई थी, बहुत अच्छी चली, छोटे छोटे सेंटर्स में बहुत ही अच्छी गई फिल्म वो, और काफ़ी इंटेंस डायरेक्टर हैं, नया जोश है और बहुत अच्छा स्पिरिट बहुत है। तो इनकी ये नेक्स्ट फिल्म है, मेरे ख्याल से मैंने इनके साथ पहले 3 फिल्मों में काम किया है, ये 4थी फिल्म है मेरी इनके साथ। और मुझे अजीत वर्मा, होता है कभी कभी किसी डायरेक्टर के साथ एक एक्टर की ट्यूनिंग हो जाती है, तो मुझे अजीत वर्मा पे बहुत ट्रस्ट है एज अ डायरेक्टर। और ये एसके चंद्रशेखर और मुंगलू साहब जो हैं, उनका पहला हिंदी प्रोजेक्ट है, साउथ के प्रोड्यूसर हैं, साउथ में बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, हालांकि मैंने उनके साथ काम नहीं किया कभी साउथ में, लेकिन उनके साथ काम करने का मेरा भी ये पहला मौका है, तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, ऑल द बेस्ट। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि हर फिल्म जो बनती है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, हर फिल्म चलनी चाहिए, हर कलाकार के पास काम होना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं कि जो कि एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, जिसमें झूठ फरेब किसी तरह की ऐसी बातों की कोई जगह ही नहीं है। तो हम लोग खुशकिस्मत हैं, हम पर ऊपर वाले का वरदान है कि हम कलाकार हैं और हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए एक बहुत खुशनसीबी की बात है। और मैं मेकर्स को और डायरेक्टर को और हमारे तमाम आर्टिस्ट को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सुपर डुपर हिट हो गया। आपने अजीत के साथ में 3 फिल्में की है, इसलिए ये फिल्म कर रहे हो, या आपको सब्जेक्ट और कैरेक्टर अच्छा लगा है इसलिए कर रहे हो, ये भी तो क्लियर करो। नहीं, मुझे इस पे इस बात का भरोसा है अजीत पे कि वो मेरे लिए जो लिखेगा वो बहुत ही अच्छा लिखेगा। और मुझे एक आउटलाइन रोल का पता चल गया है कि क्या है, लेकिन मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि वो जिस तरह से उसने मुझे रक्तधार में भी प्रेजेंट किया था और वो इस फिल्म में भी प्रेजेंट करेगा। कभी कभी होता है कि आप डायरेक्टर के ऊपर इतना ट्रस्ट कर लेते हो कि एज एन एक्टर आपको कुछ सोचने का या कुछ इनसिक्योरिटी फील नहीं होती है, तो अजीत वर्मा के साथ मेरा एक ऐसा रिलेशनशिप बन गया। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, बाइलिंगुअल्स तो बनाना तो बहुत अच्छी बात है, 2 सेंटर में 2 स्टेट्स में पिक्चर चलती है, एक ऑल ओवर इंडिया और एक साउथ में भी चलेगी, तो आई थिंक प्रोड्यूसर्स के लिए तो एक बहुत अच्छी बात है, आई थिंक इट्स अ वेरी फ्रूटफुल प्रपोजिशन, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ इज़ प्लेइंग जस्ट लाइक लीडिंग करेक्टर, और इस फिल्म में जो अजीत वर्मा जी ने जो स्क्रिप्ट का डिज़ाइन किया है, इसमें वैसे सब अपने आप में एक हीरो हैं और हीरो ही सब्जेक्ट है, तो इसमें एक लीडिंग करेक्टर है मेरा कॉकटेल नाम से, जो कि पूरे जो सब्जेक्ट है उसका सूत्रधार होता है। इससे पहले कोई फिल्म की है बॉलीवुड? बॉलीवुड की सर मैंने आप लोगों के आशीर्वाद से 2-3 फिल्में मेरी रिलीज़ हो चुकी हैं। पहली फिल्म मेरी आई थी हमें वंडर बॉयज, एंड रिसेंटली मेरी 2 फिल्में रिलीज़ हुई हैं, माफिया बिग बॉस एंड अजीत जी के डायरेक्शन में रक्तधार रिलीज़ हुई थी, जिसमें मेरे करेक्टर को काफ़ी अप्रिसिएट किया था। लेकिन इसके साथ साथ मेरे दिल में एक टीस थी जो अजीत वर्मा जी मेरे ख्याल से इस फिल्म में पूरी करेंगे, और मेरा जो फायर था वो अजीत जी ने समझा कि राज के अंदर बहुत सारा टैलेंट है, और दाखला में उसी लेवल से उन्होंने काम दिया, और ये मेरा जो अभी करेक्टर चूज किया है, वास्तव में राजू जी मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है, और काफ़ी इस पे मैंने मेहनत भी की है इस प्रोजेक्ट को लेके, और अभी जो पीछे 2 दिन पहले फ़ोटोशूट हुआ था तो काफ़ी अच्छा लुक निकल के आया है, और डायरेक्टर ने और जो भी मेरी टीम क्रू है सब ने अप्रिसिएट किया, तो आई एम थैंक यू फॉर दिस वर्क। थैंक यू राज, वेलकम टू बॉलीवुड। थैंक यू सो मच। आप अपने बारे में आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सूर्यदेव मलिक है, और मैं इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार कर रहा हूँ, और सभी का प्रयास है कि ये मूवी अच्छी बने और बहुत अच्छी मूवी बने, मेरा भी उसमें योगदान रहेगा, और आगे ईश्वर और सब पूरी टीम की मेहनत। सुना है इस फिल्म से आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कहाँ तक सच है?
हाँ जी, इंट्रोड्यूस तो मुझे किया जा रहा है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अजीत जी जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, और ख़ासतौर पर मैं ईश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगा कि बॉलीवुड में मेरी इस तरह से एंट्री हो रही है, और शायद मैं सभी की अपेक्षाओं पे खरा भी उतरूँगा। आपका एक्टिंग का एक्सपीरियंस क्या रहा इसके पहले? इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस के नाम पे तो कुछ भी नहीं, और सही बोला जाए तो मैं शायद पिछले जन्म से ही एक्टर हूँ ऐसा लगता है। ये पिक्चर क्या सोच के साइन किया आपने? गुड सब्जेक्ट, गुड डायरेक्शन, गुड क्या क्या था आपका साइन करने का प्लस पॉइंट? बस मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि कोई ना कोई किरदार तो ऐसा मिलेगा जिससे कि मैं अपने आप को साबित कर सकूं कि हाँ मैं भी एक बॉर्न एक्टर हूँ। तो स्क्रिप्ट और इसका जो चरित्र है, किरदार है, वो मुझे अपने अनुकूल लगा, और इसलिए अभी मैं इस मूवी में हूँ। हर कैरेक्टर पे कोई ना कोई गाना होता है जिससे उसको पब्लिसिटी मिलती है, एक यादगार चीज़ बनती है, क्या आपके ऊपर भी ऐसा ही कुछ है? अभी तो इस बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, शायद ऐसा हो, अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों को जरूर मालूम चल जाएगा, अभी तक तो मेरी जानकारी नहीं है। थैंक यू सर। मेरा नाम कुलवंत सिंह है, कुलवंत सिंह, और मैं काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, और इससे पहले मैंने एक फिल्म जिसमें अजीत जी ने डायरेक्ट किया था, ऑपरेशन मुंबई, तो उस फिल्म का मैं प्रोड्यूसर था बाय द वे, और बाकी इंडस्ट्री है, लगे हैं, स्ट्रगल जारी है। इस फिल्म में क्या कैरेक्टर कर रहे हैं? इस फिल्म में छोटे राजा नाम का कैरेक्टर कर रहा हूँ। छोटे राजन का? मैं ये नहीं कह सकता कोई कैरेक्टर का नाम छोटे राजा इसलिए आई कांट से, बट ये है, अच्छा कैरेक्टर है, और जिसे डायरेक्टर साहब ने मुझ पर यकीन किया है तो मुझे मौका दिया जीने के लिए, तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। छोटा राज एक नंबर का डॉन है, क्या उसकी कोई किस्से ऐसे याद है जिसको आप स्क्रीन पे प्ले करोगे? मुझे एक किस्सा याद है, जब डी कंपनी के साथ उनका थोड़ा सा ये हो गया था, उन्होंने कसम खाई थी, और एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा अप्रोच उनके पास गया था, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम, तो उन्होंने बोला था कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।